पिगमेंटेशन की वजूहात क्या हैं। पिगमेंटेशन को अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसकी जनरलाइज्ड पिगमेंटेशन भी होती है, यानी कि पूरी बॉडी पे दाग धब्बों का हो जाना, या सिर्फ चेहरे पर फेशियल पिगमेंटेशन जिसमें छाइयाँ बहुत बहुत कॉमन इशू है, एक्ने के बाद निशानों का रह जाना, ये फेशियल पिगमेंटेशन में आते हैं। तो दोनों की चूँकि प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है तो कई दफ़ा इनकी कॉजेज भी डिफरेंट होती हैं। कॉमनेस्ट रीजंस जो हैं पिगमेंटेशन की, जो हम बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में हम देखते हैं, उसमें एक्नी के बाद जो निशान रह जाते हैं, ब्राउन से ब्लैक स्पॉट्स फेस पे रह जाते हैं, एक्नी इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न। मिलास्मा यानी कि छाइयाँ फेस के ऊपर, नोज़ और चीक्स के ऊपर जो डिफ्यूज सी पिगमेंटेशन होती है, यूजुअली ख़वातीन के अंदर होती है, लेकिन आजकल मेल्स में भी ये इशू बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके अलावा जितने भी वाइटनिंग की प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनकी वजह से भी आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि वो जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उनमें समटाइम्स मरकरी होता है, और मरकरी क्या होता है, वो आपकी स्किन में जब डिपॉजिट होता है तो वो ग्रे ब्लू डिसकलरेशन देता है। और फ्रैकल्स एक बहुत कॉमनेस्ट रीज़न है। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं वो ये इशू बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, धूप की वजह से चेहरे के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन जो तिल बन जाते हैं उनको फ्रैकल्स कहते हैं।